राम राम जी। सुबह के 4:20 हुई है और हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। अभी हम हैं गुरु गोविंद धाम, जिसे गांगरिया भी बोलते हैं, और यहाँ से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, लेकिन वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई बता रहे हैं। तो अभी 4:20 पे हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं। राम राम जी। 6:20 होने वाली है और हमें 2 घंटे हो गए हैं ट्रैकिंग करते हुए। 4:20 पे हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी और आई थिंक हमने 3 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक कवर कर लिया है। भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। आज का दिन कुछ ऐसा था, 2:30 उठ गए थे क्योंकि जिस हॉल में हम सो रहे थे गुरुद्वारे में, वैसे भी उठने लग गए थे तो फिर नींद नहीं आई, उठ गए। उसके बाद 2:30 हम नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं और 3:30 हमने चार्जिंग लगाई। 4:15 हम वहाँ से निकल लिए। तो अभी चल रहे हैं, रास्ता कुछ ऐसा देखो। वहाँ से वहाँ 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 उसके बाद पहाड़ी के पीछे। कितना और रह गया भाई? आधा हुआ अभी, आधा हो गया। 3 किलोमीटर हुआ है जिसमें हमें 2 घंटे लगे हैं। तो अभी 3 किलोमीटर रहता है जिसमें शायद 2 घंटे और लग जाएंगे, लेकिन अभी खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। खड़ी तो पहले भी थी लेकिन अंधेरे में चले थे, दिखा नहीं था। आप देखो वहाँ पे बिल्कुल नीचे से आए हैं, वहाँ पे ऊपर आपको स्नो दिख रही है, और अभी जाना यहाँ से है ऐसे घूम घूम के। तो चलो चलते हैं। अभी यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये सीधा है इस तरफ जाने का नॉर्मल, और एक ये अलग से है जो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। ये वहाँ जाएगा पहले और वहाँ से घूम के वहाँ जाएगा और इसी सीधा वहाँ पर चला जाएगा। तो इसी शॉर्टकट से चलते हैं। अगर आप ऐसा कोई ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप 4-5 बिस्किट के पैकेट या और अखरोट बादाम काजू जो भी चाहिए आप नीचे से बैग में डाल के ला सकते हो, लेकिन मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, अभी ध्यान आया, क्योंकि जो पराठा नीचे 25 का मिल रहा है वो थोड़ी ऊपर आके 50 का, और अभी यहाँ पे 80 का मिल रहा है। जो चाय नीचे 10 की वो थोड़ी ऊपर आके 20 की, और अभी 30 की मिल रही है। सेम बिस्किट का है, सेम मैगी का, क्योंकि घोड़े पे लेके आते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बजट में करना चाहते हो तो कुछ पैकेट अपने साथ लेके आ सकते हो। अभी इससे जाना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ शॉर्टकट है यहाँ से यहाँ, और अगर इस तरफ से जाओगे यहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से ऐसे और नीचे जा रहा है। लेकिन जो साथ में यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये गलत है क्योंकि इससे फिसलन का डर रहता है, और मोस्टली पूरे रोड पे है यहाँ से लेकर वहाँ तक, पूरे पे पत्थर पड़े हैं। राम राम जी। 5 किलोमीटर आ चुके हैं। 5 किलोमीटर में अगर समय की बात की जाए तो 7:10 हो गए, हमें 3 घंटे लगे हैं 5 किलोमीटर में, और अभी यहाँ से 1 किलोमीटर रहता है जिसमें 2 रास्ते हैं, एक तो सीधी से है ऐसे हो गए और दूसरा ये वाला है, तो हम सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। हरियाणवी कानून
ऐसे 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 ऐसे, और वहाँ पे एक नंबर का झरना बह रहा है जिसकी हमने रील्स बना ली है, आपको इंस्टा पे देखने को मिलेगी। वहाँ पे बर्फ दिख रही है, स्नो दिख रही है, धूप निकली हुई है। मोस्टली रास्ता कवर कर लिया सीडीओ का था, जो भी ये 1 किलोमीटर का था सीडीओ से, मुश्किल से 200-300 मीटर रहता होगा, मुश्किल से ऊपर आ गए हैं भाई साहब। लेकिन हालत ख़राब हो गई है सीडीओ पे, आप देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। देखो तो लगभग 10-15 मिनट और लगनी है, फिर ऊपर पहुँच जाएंगे, सीढ़ी ख़त्म हो जाएंगी, फिर देखेंगे वहीं से थोड़ी बहुत दूर चलना पड़ेगा या वहीं पे है। तो चलो ऊपर पहुँचते फिर दिखाते आपको गुरुद्वारा। ये वहाँ पे जाके, और वो उस तरफ से जो रास्ता है ना, वो भी वहाँ पे जाके मिल जाएंगे ये, वहाँ से फिर गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से पहुँचते हैं ऊपर, वहीं से दिखेगा हमें गुरुद्वारा भी। सूर्य महाराज ने दर्शन दे दिए हैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पे। ये भाई पहला व्यू है गुरुद्वारे का, हेमकुंड साहिब का, सामने गुरुद्वारा है। पूरे 8 बजे हैं, 4 घंटे भी पूरे नहीं लगे, पहुंच चुके हैं। राम राम जी, हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गुरुद्वारे में एंटर करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ से आए वो लिखना पड़ता है, और कितने बंदे हो। उसके बाद फिर सबसे पहले लंगर हॉल है, वहाँ पे आप चाय पी सकते हो और खिचड़ी खा सकते हो। उसके बाद गुरुद्वारा है, उसके बाद यहाँ पे ये लेक है, सरोवर है, जहाँ पर आप नहा सकते हो। तो हमने चाय पी के पहले नहा लिए, अब नहाने के बाद गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। तो एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं। ये लंगर हॉल है, ये डिस्पेंसरी है, ये गुरुद्वारा है, और ये लेक है नहाने के लिए। और ऊपर आपको एक नंबर पे वो, दूसरे पे वहाँ पे, तीसरी वहाँ पे, चौथी वहाँ पे, पांचवी वहाँ पे, और छठी वहाँ पे। 6 पीक दिख रही हैं, 7 बता रहे हैं, लेकिन हमें 6 ही दिख रही है। तो अभी हम यहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास आ गए थे, अभी टाइम हुआ है 11:15, तो शायद 12:30 बजे
12 बजे के आसपास कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम होगा बता रहे हैं 1 घंटे का, तो 1 बजे 1:30 बजे जितने बजे प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद यहाँ से चलेंगे, तो तब तक यहाँ पे लेट जाते हैं। यहाँ पे अभी लेटे हुए थे, अभी ये फिर से दोबारा लेट जाते हैं। राम जी, 1 बजे का टाइम हुआ है, कपाट बंद हो चुके हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बिल्कुल गोविंद धाम की जगह गोविंद घाट जाके रुकूंगा, देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए, 1:10 हुई है। मज़ा आ गया भाई साहब कपाट देख के, पहली बार किसी बड़े धाम के कपाट देखे हमने। अभी जा रहे हैं नीचे, सुबह 8 बजे आ गया था, अभी 1 बजे वापस नीचे जा रहा हूँ, तो 5 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, मज़ा आ गया यार। एक तो सीढ़ियों का रास्ता है, दूसरा फिर वहाँ से ऐसे देख घूम घूम के जैसे भी जाने लग रही ना, ऐसे 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 ऐसे, और हमें वहाँ पे बिल्कुल नीचे जो नदी दिख रही ना वहाँ पे जाना है, तो अभी चलते हैं यहाँ से। जो ऊपर सीढ़ियाँ थी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, इसमें जाते टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अभी 15 मिनट में हम नीचे आ गए हैं। राम राम जी, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दर्शन हो गए हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, जो समुद्र तल से 14,200 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके कारण उसे लेक ऑफ स्नो भी बोला जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है, यह पहाड़ों में स्थित है, बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में है, यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अगर इसके रास्ते की आने की बात करें तो ऋषिकेश इसका पहला पड़ाव माना जाता है। आप ऋषिकेश में आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अगर वहाँ पर आप नहीं कराते तो आप गोविंद
कार्ड पर भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लेकिन इसका पहला पड़ाव ऋषिकेश माना जाता है। और जब आप ऋषिकेश से गोविंद घाट की तरफ आते हो तो यह पंच प्रयाग से होके आता है और लास्ट में जोशीमठ से थोड़ा सा आगे है। अगर इसमें लास्ट गांव की बात की जाए तो गोविंद धाम इस गुरुद्वारे से पहले लास्ट गांव है, जो कि समुंदर तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। जैसा कि वो आप सामने देख रहे हो वहां पर वो गांव है। तो अभी नीचे जा रहे हैं, आज इसके कपाट बंद हो गए हैं हेमकुंड साहिब के। अब इसका अगले साल मई या जून में कपाट खुलेंगे, तो ये बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पहली बार किसी बड़े धाम के ऐसे कपाट बंद होते हुए देखे हैं। अभी बस गोविंद धाम, जिसको गांगरिया भी बोला जाता है, यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। उसके बाद 10 किलोमीटर का और ट्रैक रहेगा जिसमें हमें गोविंद घाट जाना है, और फिर 4 किलोमीटर मैक्सी से जाएंगे, मतलब गाड़ी से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। अगर अभी टाइम की बात की जाए तो 2:41 हुए हैं, मतलब कि हमें पूरे 2 घंटे भी नहीं लगेंगे नीचे तक जाने में, क्योंकि 30 मिनट और होंगे तब हमें 2 घंटे होंगे, और हम 30 मिनट से पहले ही आ चले जाएंगे क्योंकि नीचे गांव दिखने लग गया है। तो चलो जल्दी से चलते हैं नीचे। बताए लो जी, पहुंच चुके हैं गोविंद धाम, जिसे गांगरिया भी कहते हैं, और टाइम हुआ है 2:50, मतलब कि 1:40 में हम पहुँच चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हो। राम राम जी। 6 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल के 3:05-10 थी तब हम पहुँच चुके थे। तो 2 मिनट बैठे, पानी की बोतल भरी और दोबारा फिर से शुरू हो गए हैं। ये मान के चलो कि 3 बज गए हैं। अब 10 किलोमीटर की और ट्रैकिंग है, देखते हैं कितना टाइम लगता कितना नहीं। वो मतलब बिल्कुल ढलान थी, इसमें थोड़ी बहुत ढलान, थोड़ी बहुत हिल्स हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तक तो आगे कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे कोई ना कोई मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो चलो चलते हैं, व्यू देखो एक बार, बिल्कुल सुनसान। बाकी यह रास्ता मैंने दिखा दिया था, तो कहीं कहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पूरा रास्ता नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो दोबारा सेम हो जाएगा। चढ़ाई बिल्कुल कड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। देखो थोड़ी लेकिन अभी गया थोड़े दिन बाद, वो अगली जो अगली ट्रैक होगी ना अगले साल, उसमें वो चालू हो जाएगा शायद। मतलब क्या जंगली जानवर आता है यहाँ पे? भालू आता है। कभी देखा आपने? इधर दो बार इधर देखो। कहाँ पे? दो बार यहाँ पे देखा, यहीं पे खुले में। कभी किसी को कुछ हानि पहुँचाई है? ना ना, अब तक ऐसा कुछ हानि नहीं। मतलब इस तरफ नहीं आता गांव की तरफ, या यहाँ पे रहता ही नहीं कोई? रहता तो है लेकिन अभी तक हानि नहीं किया। कभी किसी को कुछ, जैसे यहाँ पे आ गया हो, कुछ कर दिया हो, किसी को कुछ नहीं किया आज तक? दूर से दिखते हैं, भाग भी जाते होंगे फिर? भाई तो ब्लैक है, भाग भी होता है, भाई तो होता ना स्नो वाला, बर्फ वाला होता ना, सफेद वाला, सफेद नहीं होते वो काले वाले होता ना, काले वाला होता है। और क्या मिलता है यहाँ पे बालू से अलग? बालू और चीता। चीता देखा कभी? चीता भी देखा है, इधर हमारे घर के इधर एक बार देखा मैंने। यहीं पे दिन में दिखते हैं, रात में दिखते हैं? दिन में देखा, रात में देखा। दिन में ही, मतलब रात में आते होंगे, लेकिन रात में कभी देखा नहीं है। शाम को देखा था मैंने, हमें नहीं दिखा यार एक भी, हमें भी दिखा दो। इस ट्रैक का लास्ट पराठा सर के साथ। राम राम जी। मैंने प्लान बनाया था कि 3 घंटे में नीचे चालूंगा वहाँ से गोविंद धाम से, लेकिन 6 बज चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी 2 किलोमीटर और रहता है। तो इसमें 2 किलोमीटर में अभी ज़्यादा नहीं, तो आधा घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, और फिर 4 किलोमीटर आगे टैक्सी में जाना है। तो अभी मान के चलो अभी पूरा 1 घंटा और लग जाएगा पहुँचते नीचे गोविंद घाट। अंधेरा होने वाला है, तो अगर अंधेरा हो गया तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, और अगर वहाँ पे कुछ खाना खाया या और कुछ एक्टिविटी की तो आप लोगों को दिखा देंगे, नहीं तो यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। 3 घंटे 40 मिनट का समय लगा और हम नीचे पहुंच चुके हैं। अभी 7:40 हो चुकी है, सॉरी 6:40।